आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री कौशलराज शर्मा जी, उपायुक्त वाराणसी मंडल, हमारे बहुत पुराने विद्यार्थी जीवन के मित्र डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की से भारत सरकार की जो नई नीति पूरे देश में प्राकृतिक खेती के लिए घोषित हुई है, लागू हुई है, उसके उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार वह यहाँ उपस्थित है। एक बार उनके लिए एक बार आप लोग तालियां जरूर दबाएं, क्योंकि सेवा काल के उपरांत ये उनके सकारात्मक कार्यों का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सूची लेकर के उनको ये जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश की। श्री मिश्रा जी ज्वाइंट डायरेक्टर, एपीडा के अधिकारी शिविर सिंह जी, एडीएम साहब और सारे वरिष्ठ लोग, कृषि कितना महत्वपूर्ण है उसका एहसास कोविड के समय में हुआ और पूरी दुनिया को भारत के कृषि उत्पादों का आभास हुआ। जो भारतीय कृषि उत्पाद है, चाहे उसमें नींबू की प्रजाति के रहे हो, ज्वार बाजरा मक्का की प्रजाति के रहे हो, या सावा कोदो टांगुर मड़ुआ की चीजें रही, या हल्दी और अदरक, ये कोविड ने इसका एहसास भारत के कृषि के, हॉर्टिकल्चर के, मिलेट्स के उत्पादों को पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो भारत में काम शुरू हुआ उसका परिणाम संयुक्त राष्ट्र में देखने को मिला, और भारत के इस प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया 2023 को। यह बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का श्रेय भारत को जाता है पूरी दुनिया के लिए, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मोटे अनाज, ज्वार बाजरा मक्का रागी सावा कोदो टांगुन मड़ुआ कुटकी या दालों की जब आप परंपरा शुरू करेंगे तो गहत है, कुलत है, और ढेर सारे औषधीय मसाले। अब मिलेट्स में लोगों को लगता है कि खाली अनाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में जो चीज लुप्त होती चली जा रही है उसको आप मिलेट मान सकते हैं। विश्वविद्यालय से निकली हुई, रिसर्च सेंटर से निकली हुई जो प्रजातियां हैं, हाइब्रिड है, वो मुख्य धारा में तो जरूर आ गई, लेकिन उसका नुकसान यह हुआ जो किसान के घर की अपनी प्रजाति थी, जो वो मट्टी की गगरी के अंदर में अपने बीज को रखता था। उड़ीसा में जनपद है कोरापुट, दो वर्ष पहले वहां के आदिवासी महिला को माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने खोज करके निकाला। लगभग 300 तरह के धान की प्रजाति को संरक्षित करके उन्होंने रखा था, और वो तो वहां की स्थानीय भाषा बोलती है, बढ़िया उड़िया में नहीं बोलती। और उनको दो वर्ष पहले महामहिम ने पद्मश्री से सम्मानित किया महिला, उसी प्रजाति को, 300 प्रजातियों को बचाने के लिए जो वैज्ञानिकों के दिमाग से निकल चुकी थी और हाइब्रिड में कन्वर्टेड हो जाए, उसी में कोरा हमें भी प्राप्त हुआ। वहां का कोरापुट का काला जीरा राइस, सेंटेड राइस, मकने वाला चावल, सुबह नहीं चावल, उसको जीआई फाइल किया गया। जीआई वहां से फाइल हो रहा है
और 6 महीने के ही अंदर में राज्य सरकार का ध्यान उस पर गया और केंद्र सरकार में अपीला का ध्यान गया और वहां से उसका निर्यात होना शुरू हो गया। कोरापुट आंध्र प्रदेश के बॉर्डर का इलाका है जहां पे की सर्वाधिक धान की खेती परंपरागत किसानों वाली होती, कोई भी एक सिंगल दाना भी हाइब्रिड नहीं मिलने वाला। जैसे हम लोग के तरफ भी जब खेत में बुआई रोपाई की बात करते, पूजा पाठ करते, वहां में भी पूजा पाठ होता है और पूजाई पाठ में तो बड़ा नृत्य संगीत भी होता है कि शास्त्रों में अन्न को देवता की उपाधि कही गई है। जिस चीज से आपको ऊर्जा मिले उसे बड़ा देवता, उसे बड़ा देवी कौन हो सकता है। तुम्हारा आग्रह कृषि विपणन विभाग ने आपके तो इसी साहब ने तो एकदम कमाल कर दिया, चतुर्वेदी साहब ने, उन्होंने तो राज्य स्तर में जियो ऑर्डर जारी कर दिया और सारे जनपद में जीआई की कमेटियां गठित हो रही है। हर जनपद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सारे जगह पे जीआई की समिति गठित हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकल से ग्लोबल की जो पूरी परंपरा है, जो पूरी चेन चल रही है, अब इसमें प्राकृतिक जुड़ गया, उसमें वही उत्पाद दुनिया के बाजार में जाएंगे जो कानूनी रूप से लोकल होंगे। और कानूनी रूप से लोकल क्या होगा, वो जीआई होगा, वो जीआई होगा वही कानूनी माना जाएगा। अर्थात स्थिति में आप कहेंगे कि साहब ये गाजीपुर जनपद का साठी चावल है या जौनपुर की मूली है या आप कहेंगे कि साहब ये मिर्जापुर की बजरी है, वो लोकल नहीं माना जाएगा जब तक उसके ऊपर में जीआई टैग नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया गारंटी मानेगी। तो ये कार्यशाला इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको कृषि विपणन विभाग के द्वारा उन उत्पादों को खोजने का, चिन्हित करने का काम दे। और डॉक्टर श्रीवास्तव जी यहां पर इसलिए राज्य सरकार के ऊपर में ये नीतिगत रूप से हम इस बात को रखेंगे कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती के साथ में जीआई उत्पादों को जोड़ दिया जाए ताकि जितने भी 10 विश्व में 15 विश्व 20 विश्व 25 विश्व 1 बीघा 2 बीघा छोटी छोटी चीजें भी अगर कहीं हो रही हैं तो वो जीआई हो सकता है। जीआई होने के लिए आवश्यक नहीं है तो 100 एकड़ में हो, 200 एकड़ में हो, 500 एकड़ में हो, 2000 किसान काम करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 20 किसान भी किसी चीज को बचा के अगर रखे हुए हैं वो जीआई हो सकता है। आने वाले समय में उसमें 200 किसान जुड़ेंगे, फिर 2000 जुड़ेंगे और मिर्जापुर का आदम चीनी चावल इसी का एक उदाहरण है। 1 हफ्ते के अंदर मिर्जापुर के आदम चीनी चावल को जीआई सर्टिफिकेट प्राप्त होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।